हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नॉलेज के बी सी। आज हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 2.3 करेंगे, जो कि पॉलिनोमियल के डिवीजन से रिलेटेड है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाई गिवन पॉलिनोमियल जी एक्स एंड फाइंड द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। तो ये हमें इक्वेशन दी हुई है, पी एक्स एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और जी एक्स एक पॉलिनोमियल, इन दोनों को हमने डिवाइड करना है और जो क्वोशेंट होगा और रिमाइंडर होगा वो फाइंड करना है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, पी एक्स ये दिया हुआ है हमें एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्र प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस टू। तो इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले इसमें हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना होता है, पी एक्स और जी एक्स जो हैं इनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना होता है डिग्री के। मीन सबसे पहले तीन पावर है एक्स की, फिर दो, फिर वन, फिर जीरो होनी चाहिए। यहाँ भी ऐसे ही सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। इसमें ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है डिसेंडिंग में, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा डिवाइड करेंगे। डिवीजन हमने ऐसे करना है, एक्स क्यूब इसको अंदर रखेंगे पी एक्स को और ये हमने बाहर रखा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो इसके फर्स्ट फर्स्ट है टर्म है, इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स क्यूब है, इनको डिवाइड करके देखिए क्या आंसर आता है हमारा। अगर हम एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो दो एक्स हमारे कट जाएंगे, एक एक्स बच जाएगा, तो हमने एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको एक्स स्क्वायर को एक्स से किया तो एक्स क्यूब आ गया, उसको एक्स क्यूब के नीचे रख देंगे। एक्स को टू से करेंगे, माइनस टू है, एक्स से किया माइनस टू एक्स आ गया, तो एक्स है इसके नीचे नहीं आएगा, एक्स वाला एक्स के नीचे आएगा, तो माइनस टू एक्स इसके नीचे रख दिया हमने। ये हमने इनको अब माइनस करना है, जैसे हम नॉर्मल उसमें करते हैं डिवीजन में, जो भी हमारे दो आंसर आते हैं उनको माइनस करते हैं। माइनस करने के लिए हमेशा साइन चेंज होता है, चेंज किया ये प्लस माइनस का हो गया कैंसल। इसको जो डिजिट हमने माइनस करने हैं वो तो ठीक है, बाकी को हम एज इट इज रख लेंगे। ये हमारा ऐसा कैसा आ जाएगा, इनको देखिए ये प्लस है फाइव, ये भी प्लस हो गया था, दोनों प्लस के हैं तो प्लस होगा, सेवन एक्स आ जाएगा, और इसको एज इट इज रख लेंगे। अब अगला स्टेप, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट फिर से वही करेंगे, हम उठाएंगे इनको डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस थ्री बच जाएगा, तो हम यहाँ माइनस थ्री से करेंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर को माइनस थ्री से करेंगे तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर आ गया, और माइनस टू को माइनस थ्री से करेंगे तो प्लस सिक्स आ जाएगा, तो ये हम इसके नीचे रखें क्योंकि एक्स नहीं है हमारे पास, ओनली प्लस सिक्स है। अब फिर साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल, ये 7x एज इट इज आ जाएगा, और ये माइनस माइनस के हैं दोनों तो प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। अब देखिए, अब हमारी ये पावर जो है x की फर्स्ट फर्स्ट टर्म जो है ये छोटी आ गई उससे, तो हम आगे नहीं चलेंगे। तो हमारा कोशेंट क्या आ गया, x माइनस थ्री कोशेंट होता है जो हमारा आंसर आया, और रिमाइंडर जो नीचे बचा 7x माइनस नाइन, ये हमारे आंसर आ गए। अभी सेकेंड स्टेप सेकेंड पार्ट लेते हैं इसका, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फोर माइनस थ्री एक्स स्क्र प्लस फोर एक्स प्लस फाइव एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वन माइनस एक्स। सबसे पहले ऑर्डर में लाएंगे इसको, देखिए फोर टू वन जीरो ऑर्डर में है, लेकिन ये वाला हम सेट करेंगे। पहले एक्स की दो पावर आ गई, फिर वन वाली लेंगे, फिर बिना एक्स वाली। अब डिवाइड करते हैं, एक्स फोर माइनस थ्री एक्स स्क्र प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, या क्या वही चीज, पहली पहली टर्म को डिवाइड कीजिए, इधर दो पावर है इधर चार है तो दो बच गई, तो एक्स स्क्र आ जाएगा। अब एक्स स्क्र को एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई किया, एक्स फोर आ गया, माइनस एक्स को एक्स स्क्र से किया तो माइनस एक्स क्यूब आएगा। अभी इसमें माइनस एक्स क्यूब हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहां रख लेते हैं इसको अलग से, माइनस एक्स क्यूब प्लस वन को एक्स स्क्र से किया तो प्लस एक्स स्क्र आ गया। अब इनको साइन चेंज हो जाएंगे इनके, ये कैंसिल हो गया। अब सबसे पहले हमने एक्स क्यूब वाला रखना है क्योंकि ये बड़ी पावर है, एक्स क्यूब आ गया, इनको डिवाइड कीजिए, माइनस माइनस प्लस होते हैं तो माइनस फोर एक्स स्क्र, ये हमारा ऐसे कैसा और ये भी ऐसे कैसा आ जाएगा। अब इनको डिवाइड कीजिए फर्स्ट फर्स्ट टर्म को, एक्स स्क्र है एक्स क्यूब है, एक एक्स बच जाएगा, प्लस का एक्स आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर और एक्स की मल्टीप्लाई क्या हो गई,
एक्स क्यूब माइनस एक्स और प्लस एक्स की माइनस एक्स स्क्वायर और वन और एक्स की प्लस एक्स माइनस प्लस माइनस चेंज हो गए ये कैंसिल माइनस फोर और प्लस वन माइनस का थ्री आ गया प्लस का फोर और माइनस का वन प्लस का थ्री आ गया एंड प्लस फाइव। अब इसको और इसको डिवाइड कीजिए एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया माइनस तीन बच गया तो हम माइनस तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां माइनस थ्री एक्स स्क्वायर आ गया माइनस थ्री को माइनस एक्स से किया तो प्लस का थ्री एक्स आ गया और माइनस थ्री को प्लस वन से करेंगे तो माइनस का थ्री आ जाएगा ये प्लस माइनस प्लस कैंसिल हो गया और ये माइनस थ्री प्लस ये भी कैंसिल हो जाएगा ये प्लस का पांच और प्लस का तीन आठ आ गया। तो अब आगे नहीं चलेंगे क्योंकि हमारा एक्स स्क्वायर से नीचे की अगर डिग्री आ जाएगी तो हमने छोड़ देना है वो क्वेश्चन। तो कोशेंट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री हो गया एंड रिमाइंडर हमारे पास आ गया एट। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है p ऑफ x है जो x की 4 माइनस 5x प्लस 6 एंड gx इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स क्यूब। अब ये हमारा ऑर्डर में है पहले 4 है फिर 1 है लेकिन इसको हम ऑर्डर में लिख लेते हैं माइनस एक्स क्यूब प्लस 2 हो जाएगा gx। अब डिवाइड करते हैं x रेस टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और इधर आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 2। फर्स्ट टर्म क्या है माइनस एक्स क्यूब इधर एक्स रेस टू द पावर 4 है तो डिवाइड करेंगे तो 1x आ जाएगा ओनली और माइनस का क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। अब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स क्यूब और माइनस एक्स प्लस एक्स 4 हो गया और 2 और माइनस एक्स माइनस 2x हो जाएगा साइन चेंज करेंगे माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3 आ गया x आ जाएगा साथ और इसको ऐसे नीचे ले लेंगे। अब ये डिग्री हमारी इसकी हाईएस्ट डिग्री और इसकी हाईएस्ट डिग्री ये छोटी आ गई ना तो यहां क्वेश्चन खत्म। तो क्वेश्चन आ गया माइनस एक्स और रिमाइंडर माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है चेक वेदर द फर्स्ट पॉलीनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलीनोमियल बाय फर्स्ट पॉलीनोमियल। हमें चेक करना है कि फर्स्ट पॉलीनोमियल सेकंड वाले का फैक्टर है या नहीं डिवाइड करके। डिवाइड करके अगर तो रिमाइंडर हमारा बचता है कुछ तो ये फैक्टर नहीं होगा क्योंकि फैक्टर होगा तो पूरा पूरा डिवाइड करेगा। अगर रिमाइंडर नहीं बचता पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो ये फैक्टर है। तो हमें वही चीज करनी है इसमें जो किया था हमने इनको डिवाइड करना है। चलिए करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें क्या दिया है टी स्क्वेयर माइनस थ्री और दूसरा 2t4 प्लस 3t3 माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। इसको डिवाइड करके देखेंगे। हमें चेक करना है कि फर्स्ट वाला है नहीं तो सेकंड वाला अंदर आएगा। ये हमने बाहर लिया। सबसे पहले इन दोनों को डिवाइड करेंगे बड़े बड़े वाले को। टी स्क्वेयर को इससे डिवाइड किया 4 पावर थी यहां 2 है 2 रह गई और इधर 2 रह गया तो 2t² को t स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे 2t4 आ गया और माइनस 3 और 2 की तो ये आ गया माइनस 6t² तो t² वाले के नीचे आएगा माइनस 6t². ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया। यहां बचा 3t³ ऐसे कैसा और ये प्लस 4t² आ गया माइनस 9t माइनस 12। अब टी स्क्वेयर को इससे डिवाइड करते हैं 2 पावर हैं इधर 3 है 1 रह गई 1 टी रह गया और इधर 3 रह गया तो 3 और टी 3t को टी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया 3t³ आ गया और माइनस 3 और प्लस 3t माइनस 9t हो गया माइनस एंड प्लस ये कैंसल तो 4t² माइनस 12। अब 4t² अब 4 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे क्योंकि टी स्केयर से टी स्केयर कैंसिल 4 बचता है हमारे पास तो 4 से करेंगे प्लस 4 तो यहां आ गया 4t² और 4 और माइनस 3 माइनस 12 साइन चेंज किया
कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, रिमाइंडर बचा जीरो। तो बिकॉज रिमाइंडर इज जीरो, सो टी स्क्वायर माइनस थ्री इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल 2t4 प्लस 3t3 माइनस 2t2 माइनस 90 माइनस 12। मीन्स ये पॉलिनोमियल जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर नहीं बच रहा, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ऐसे ही हमने सारे क्वेश्चन करने हैं। इसमें सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, फर्स्ट पॉलिनोमियल है जो एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1, और सेकंड है 3x4 प्लस 5x3 माइनस 7x2 प्लस 2x प्लस 2। ऑर्डर में है दोनों, डिवाइड कर लेते हैं। 3x4 प्लस 5x3 माइनस 7x2 प्लस 2x प्लस 2, तो ये आ गया x2 प्लस 3x प्लस 1। फर्स्ट टर्म ली, दो पावर है, इधर चार है, दो बच गई, तो एक्स स्क्वेयर, और इधर थ्री बच गया, तो 3x2। डिवाइड करते टाइम इसको हमेशा ऊपर रखना है। कैसे लेना है आपने, देखिए 4 बाय एक्स स्क्वेयर, इधर कट गई, एक्स स्क्वेयर बच गया और 3 बच गया, 3x2 यहां आ जाएगा। एक्स स्क्वेयर की 3x2 से मल्टीप्लाई की, 3x4 आ गया, 3x की 3x2 से की 9x3 आता है, यहां लिख दिया, और 1 की 3x से की तो प्लस 3x2 आ गया, माइनस 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 ये कैंसिल, तो ये आ गया माइनस 4x3, यहां आ जाता है माइनस 10x2, और ये इनको एज इट इज लिख देंगे। अब आती है बारी इनकी, 4x3 के नीचे x2 लिखेंगे तो एक दो x कट जाएंगे, एक x बच जाएगा और माइनस का 4 बच जाएगा। अब माइनस 4x की x2 से की तो माइनस 4x3, माइनस 4x की प्लस 3x से की तो माइनस 12x2, और 1 की माइनस 4x से की तो माइनस 4x प्लस 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 कैंसिल हो गया, तो यहां आ गया इनका बच गया 2x2, और यहां आता है 6x, और इधर प्लस 2। अब x2 की इससे डिवाइड करेंगे, x2 कैंसिल हो गया, 2 बच गया, प्लस 2 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे x2 की 2 से की 2x2, 3x से करेंगे 2 को, 6x आ गया और इधर 2 आ गया, सेम है तीनों, कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर 0। तो बिकॉज रिमाइंडर इज 0, सो x2 प्लस 3x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल 3x4 प्लस 5x3 माइनस 7x2 प्लस 2x प्लस 2, ये आ गया हमारा। थर्ड पार्ट है x3 माइनस 3x प्लस 1, दूसरी हमारे पास पॉलिनोमियल x5 माइनस 4x3 प्लस x2 प्लस 3x प्लस 1। इन ऑर्डर में ऑलरेडी हैं ये, डिवाइड करेंगे, ओके x3 को इससे डिवाइड किया, तीन पावर है, इधर पांच है, दो बच गई, x2 आ गया, x2 को मल्टीप्लाई करेंगे, x3 से किया x5 आ गया, माइनस 3x और x2 माइनस 3x3 हो गया, और प्लस 1 और x2 तो प्लस x2 आ गया, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, यहां बच गया हमारे पास माइनस x3 और प्लस 3x प्लस 1। अब x3 और माइनस x3 पूरे कट जाते हैं, सिर्फ माइनस बच जाता है, तो माइनस 1 ले लेंगे, माइनस 1 से करिए x3 की तो माइनस 1, माइनस 3x और माइनस 1 प्लस 3x हो गया, और प्लस 1 और माइनस 1 माइनस 1 हो गया, प्लस माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इधर 2 बच गए हमारे पास। ये ध्यान से रखिएगा, 1 1 देख के इसको काटना नहीं है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये 2 बन जाता है, तो यहाँ पे रिमाइंडर बच गया। तो नाउ बिकॉज रिमाइंडर इज
नॉट जीरो, सो एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज नॉट फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एक्स रेज टू द पावर फाइव माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, तो ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है।